हाय किड्स, दिस इज सर शिव फ्रॉम सर शिव टीचिंग चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रूरल और अर्बन सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। मैंने ये वीडियो नोट्स की तरह बनाई है, तो आप भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट व्यू से ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ कि रूरल और अर्बन सोसाइटी होती क्या है। देखिए, पहले पता होना चाहिए कि रूरल और अर्बन का मतलब क्या है। देखिए, जो गाँव के अंदर लोग रहते हैं उनको रूरल लिविंग कहा जाता है, ठीक है, और जो शहर के अंदर लोग रहते हैं उनको अर्बन लिविंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब कुछ डिफरेंस के बारे में इसके बातचीत हो जाए। फैसिलिटीज, नंबर वन है फैसिलिटी। गांव के अंदर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स और बड़ी बड़ी शॉपें कम होती हैं। इसके बरक्स शहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़े रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और मॉल्स बड़े बड़े होते हैं, और इसके अलावा बेशुमार फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। दूसरी, एजुकेशन। गांव के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पे बहुत कम टीचर्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन शहरों के अंदर बहुत हाईली स्किल्ड टीचर मिल जाएंगे आपको, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और बड़ी हाई क्लास एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। एक्यूपेशनल रिसोर्सेज यानी कारोबार के हिसाब से गाँव के अंदर क्या कहते हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड कारोबार होते हैं। ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं और छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे दर्जी की और बुचर्स की और कसाई की, और ये तमाम चीज़ छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, बड़े पैमाने पे काम नहीं करते हैं। लेकिन शहरों के अंदर लोगों के पास कारोबार के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं, वो जॉब भी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती है शहरों की, तो उनके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन रहते हैं। नंबर चार, लाइफ स्टाइल की बात करें तो क्या कहते हैं, गाँव के लोग बहुत सिंपल लिविंग जीते हैं, बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना पीना सारा बहुत सिंपल होता है जैसे। लेकिन शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फास्ट लिविंग कर जीते हैं। कभी कभी कुछ शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो दिन रात ज़िंदगी चलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है, 24 आवर ज़िंदगी होती है। पॉपुलेशन की बात करें तो गांव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं कारोबार के लिए। और जब शहरों की बात करें तो शहर में आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, रोड पे ट्रैफिक होता है, तो शहरों में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। खाने की बात करें तो क्या कहते हैं, गांव के अंदर लोग ज़्यादातर अपना खुद उगा लेते हैं चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये तमाम चीज़ें खुद ही उगा लेते हैं। लेकिन शहरों के अंदर लोग मार्केट से ख़रीदना पड़ता है उनको, वो ज़्यादातर मार्केट से परचेज करते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें, घरों की कंडीशन की बात करें तो उनके जो घर बने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और छोटी छोटी ईंटों से बने होते हैं। लेकिन शहरों के ऊपर जाएं तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स और घर बड़े आलीशान होते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट की जब बात करें तो क्या कहते हैं, गांव के अंदर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी आपको दिखती है, प्लांट्स और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आपको मैसर होती है, तो बहुत बहुत पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है। लेकिन शहरों की तरफ जहाँ बात करें तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, हवा में पोल्यूशन होता है, पानी के अंदर पोल्यूशन होता है, शोर का पोल्यूशन होता है, तो हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी रूरल और अर्बन लिविंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।